ऑल राइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिलेशनशिप टिप्स के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि टिप्स देते हैं ना यूट्यूब पे, लड़कियां भी देती हैं लड़के भी देते हैं, पर वो वैसे देते हैं यानी कि नॉर्मल। आज तुम्हें एक एडवोकेट सलाह देगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म काम आए। एक्चुअली क्या है ना, वो तुम्हें उड़ती हुई चिड़िया दिखाते हैं, तुम्हें फंसी हुई चिड़िया नहीं दिखाते। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत फंसी हुई चिड़िया भी दिखा दूंगा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, प्यार मिले ना मिले लेकिन आपकी अपनी लाइफ संभल जाए। तो यार देखो, पहली गलती क्या नहीं करनी, ठीक है। पहली गलती बहुत बार क्या होता है ना, आप रिलेशनशिप में आए, ठीक है, लड़का आया लड़की आए, ये लॉन्ग टर्म वाली बातें चल रही हैं, अड़ोस पड़ोस के जो घर में होती है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मान सकते हो तुम उनको भी, लेकिन जनरली उनकी हो रही है जो दूर रहते हैं, लॉन्ग टर्म वाली। देखो मान लो लड़का है लड़की है, ठीक है, आपस में रिलेशनशिप में, ठीक है। तो कभी भी, लड़के के लिए बोल रहा हूँ, कभी भी अपने ना घर वालों का नंबर मत देना। बहुत बार क्या होता है ना, जैसे हम पिक्स भेज देते हैं लड़की को कि ये देख तेरी ननद है, ये तेरी सास है, ये तेरा ससुर है, ये इसका नंबर, मतलब गुड फेथ में। तो कभी भी ना तो फोटो वगैरह भेजो ना ही नंबर भेजो। फोटो भेजना भेजो लेकिन नंबर मत भेजो, हो सके तो दोनों ही मत भेजो। अब देखो इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये, कल को मान लो तुम्हारा कुछ हो गया, आपसी में वो हो जाता है, वो बंदी क्या करेगी, तुम्हारे बाप को फ़ोन करेगी, ठीक है, बाप को फ़ोन करेगी, और दूसरा तुम्हें धमका सकती है कि देख ये कर दे, नहीं तेरे बाप को फ़ोन कर दूँगी मैं, नहीं तेरे ऐसे कर दूँगी मैं, मतलब समझ रहे हो, तुमसे वो कर सकती हो, मैनिपुलेट कर सकती हो, ये कर देने ये कर दूंगी। और मैंने देखा है यार, मैंने बहुत सारे ऐसे, मेरा इंस्टा ना भरा पड़ा है इन चीज़ों से कि भाई उसने सर ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इसलिए मैं आपको ना, मतलब मैं वहीं से बना बना के आपको वो देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअली आई हाईली बिलीव इन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब इलाज मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को परहेज बढ़िया लगता है, तो मैं सोचता हूँ लोग परहेज से ही ठीक हो जाए। तो आपने अपना कभी नंबर नहीं देना, ठीक है, एड्रेस भी नहीं देना। बहुत बार क्या होता है, मैं एड्रेस दे देते हैं, फिर बहुत बार लड़की आके ना घर के आगे कलेश करती है, भाई इसने तो ऐसा कर दिया मेरे साथ, ऐसा कर दिया, बहुत होते हैं यार। हालांकि देखो अच्छी लड़कियां भी होती हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो तो ऐसे ही रहती हैं, ठीक है। तो तुम्हें अपना वो नहीं देना, ना नंबर देना ना ही एड्रेस देना, ठीक है। सेकेंड थिंग, सेकेंड टिप क्या है, जो गलती लोग कर देते हैं, बैकअप नहीं रखते कभी भी ना। जैसे कभी भी तुम बात करो, जैसे जिस दिन तुम रिलेशनशिप में आए हो या तुम अब बीच में आ गए हो, तो ना हर चीज़ का बैकअप रखा करो। बैकअप इन द सेंस चैट का, ठीक है, चैट हो गई, कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, जो तुम्हें लगता है ना कि ये कल को डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो उसकी ना रिकॉर्डिंग रखा करो अपने लैपटॉप में, अपने उसमें, ताकि कल को तुम अपने आप को बचाव कर सको, ठीक है। क्योंकि देखो यार, वक्त है, वक्त का कुछ नहीं पता, कल को इसकी लड़की की बुद्धि वो हो जाए और तुम्हें फंसा दे। क्योंकि ना बात तो सही है इंडियन लॉज भी इनको ही सपोर्ट करते हैं, तुम्हें नहीं करते। कभी देखा है कि लड़की ने शादी का वादा तोड़ा और लड़के ने केस कर दिया और उसको, लड़की को पनिश हुआ? नहीं ना, लड़के को होता है बस, इसने मतलब होता ना, जैसे समझ रहे हो। तो कभी भी अपना मतलब बैकअप रखना हमेशा, संभाल के रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग जो भी आपके पास है, और ये बात उसको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, उसको एक लैपटॉप में रख लो। थर्ड थिंग, थर्ड थिंग क्या है, देखो कभी भी ना आपस में पिक्स मत खींचो, प्राइवेट पिक्स मत खींचो। तुम्हें लगता है कि यार हम प्राइवेट पिक्स खींच लिए हैं, मतलब आपस में होता है ना जैसे न्यूड वगैरह या फिर जो साथ के पिक्स होते हैं थोड़ी ऑप्शन वे में, तो वो नहीं खींच रहे। बहुत बार क्या होता है ना, तुम्हें लगता है कि फ़ोटो डिलीट हो गया, लेकिन ना वो डिलीट नहीं होते। ऐसी ऐसी ऐप है भाई इस दुनिया में, ठीक है, 10 साल पुरानी पिक्स निकल जाती हैं। अभी तुम्हारे फ़ोन में डाउनलोड करूँगा, तुम्हारी 10 साल की पिक्स निकल जाएंगी, फिर तुम ये भगवान क्या जुलूम है, तुम कहोगे ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये गलतियाँ मत करा करो, आपस में पिक्स वगैरह मत लिया करो, ठीक है, कीप इट प्राइवेट। अपने जो रिलेशनशिप है उसको प्राइवेट रखा करो, ना ही फोटो लेने की जरूरत ही क्या है तुम्हारी। जब जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन अपने आप फोटो खींचेंगे, तुम्हारा बाप खुद फोटोग्राफर करेगा, भैंचोद खुद भाई बढ़िया वाला फोटोग्राफर मिल लाओ, ये लाओ, तब तो अलग बात है, तब करो, लेकिन उससे पहले क्यों कर रहे हो। लड़के के लिए बोल रहा हूँ, लड़की के लिए, लड़के के लिए, बॉयज़ बेबी बॉयज़, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टिप है कि कभी भी ना अपने इंस्टा वगैरह के पासवर्ड मत दे दिया करो, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। अब इसके लिए बहुत बड़े बड़े रीज़न है, पर मत दिया करो, ठीक है। बहुत बार होता है ना कि हम पासवर्ड दे देते हैं, ये दे देते हैं, तो वो मत दिया करो। अब इसके लिए मैं किस दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, बस मेरे पे इतना टाइम नहीं है, तो मैं समझा सकूँ, बस तुम समझ लो अपने पासवर्ड वासवर्ड मत दिया करो, ठीक है, ओके। और चैट जरूर संभाल के रखा करो, ठीक है। और नेक्स्ट टिप क्या है, नेक्स्ट टिप ये कि देखो, जब भी तुम कभी फिजिकल रिलेशन बनाओ तो कंसेंट ले लिया करो फ़ोन पे, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, फ़ोन पे या रिकॉर्डिंग में या जो भी कैसे भी लेनी है, कंसेंट ले लिया करो कि भाई आज हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो वो एक होना चाहिए, और उसका तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए। कल को तुम्हारी अगर मान लो रेप केस कर दे वो कुछ भी, या घर के आके हंगामा करे, तो तुम्हें एक डिफेंस तो रहेगा, ठीक है, ओके। और रही बात उनकी, जैसे बहुत सारी वीडियोज़ होती है ना कि यार ऐसे कर दो ऐसे कर दो, जैसे YouTube पे बताते हैं ना कि लड़कियों को ये पसंद है वो पसंद है, और यार देखो उनको देखना बंद करो, पता है क्यों, वो बस एक, वो 1+1 2 नहीं है, ठीक है, समझ लो जैसे लॉ है, अगर तुम इसका डार्क साइड सबको पता है, मान लो लड़की क्या कर सकती है, तो रेप केस फाइल होगा, लेकिन उनका पक्का नहीं है, समझ रहे हो,
मान लो कोई लड़का कहता है अगर वो हंसी तो फंसी, अब मान लो ना हंसी तो कहाँ फंसी, मतलब 1+1=2 थोड़ी ना, पत्थर की लकीर थोड़ी ना है, तो तुम क्यों चूतिया बन रहे हो, समझ रहे हो? तो तुम चूतिया मत बनो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है? वैसे तो मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशनशिप में जाओ ना तो ही बेहतर है, लेकिन अगर जा भी रहो तुम्हें उड़ता हुआ तीर लेना ही है ना, लेना ही है अपने, उसमें तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। ओके, और इस वीडियो को शेयर कर दो, जो नए नए लौंडे हैं ना ये बहुत गलतियाँ करते हैं। अगर तुम्हें फिर भी कोई क्वेरी चाहिए, कोई क्वेरी है तुम्हारी या जो भी है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यार मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता, देखो सीधी बात। मैं भी पूछ रही हूँ फोन क्यों काट रहा है तू? देख फोन नहीं काटेगा ना तो तू अच्छा रहेगा, अगर तूने फोन काटा ना मेरा और तेरा कॉल नहीं उठाया, तू अगर क्या कर रहा था मैं किसी से जानता नहीं हूँ। अगर तूने इस तरीके से बात करी ना तो मैं तेरे घर पे मीडिया लेकर और पूरी वीडियो लेकर और पुलिस लेकर तेरे दरवाजे पे आ जाऊंगी, तेरा क्या हाल होगा कि तुझे पता नहीं है। और नहीं सुन, तू एक बार मुझसे कह दे कि तुझे जो करना है तो वो कर, देख के तुझे 1 घंटा के अंदर तेरे दरवाजे का ख्याल करती हूँ मैं। हाँ क्या कह रहा हूँ तू मुझसे, मैं तुझे जानता नहीं हूँ। मांग की है मुझे पैसा चाहिए इतना, नहीं मैं तुम्हारी वीडियो ले आकर थाने में रख दूंगी और कितने लाख लाऊंगी तुमसे जो तुम्हें भी पता नहीं है, तुम्हारे घर सामने गिरवी रख जाऊंगी, याद रख। अच्छा हाँ अगर तुमने, तुम लोगों ने नहीं दिए तो तुम्हारी वीडियो में थाने में ले जाकर बता दूंगी, जिन लोग मुझे जबरदस्ती इस कारण ले गए थे, मैंने इसी लकी से बोला था तो मुझे वकील के पास जाना, लकी ने बोला था कि वकील मेरा दोस्त है चलो वहाँ चलते हैं,